दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल स्टंट न्यूज के साथ सिटी 71। मैं आपका राजेश सरवाल और इस समय मौजूद हूँ गांव अजीजपुर में, सडोरा हल्का, जिला यमुनानगर। दोस्तों हर वर्ष की भांति इस बार भी एएसपी अखाड़ा काफ़ी नाम है बच्चों के भविष्य को लेके, और इस बार भी एक दंगल प्रतियोगिता आरंभ की जा रही है गांव अजीजपुर में। मेरे साथ हैं जो अखाड़े के संचालक हैं मास्टर सुशील कुमार शास्त्री जी, हम इनसे जानेंगे कि आज की गतिविधियों के बारे में क्या क्या है। मास्टर जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी देखिए, सबसे पहले तो सिटी 70 का यहाँ पर आने पर पधारने पर धन्यवाद जी सर। आप जो है यहाँ की बातों का प्रचार करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और ये अखाड़ा जो है सार्वजनिक बनाया हुआ है, बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर शिक्षा दी जाती है जी सर। ना कोई जात देखी जाती है, ना पात देखा जाता है, कोई धर्म, सबको छोड़ करके यहाँ पर एक समान शिक्षा दी जाती है सबको। और ये बच्चों के भविष्य के लिए बनाया गया है जी। बच्चों का भविष्य जो आजकल बहुत बुरी संगति में पड़ रहा है, नशे की तरफ दौड़ रहा है जी, और बच्चे बुरी संगति में पड़ करके अपने भविष्य को खराब करते हैं और देश के भविष्य को भी खराब कर देते हैं। तो मास्टर जी, जैसे आप 3 वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं अपने गांव में, तो आज यहां पे चीफ गेस्ट कौन आने वाले हैं, थोड़ा बताएंगे जी, और क्या समय रहेगा उनका जी? चीफ गेस्ट जो है यहां पर अपने जिला परिषद के चेयरमैन हैं जी, ये श्री रमेश चंठस्का जी। जी जी, वो आमंत्रित है यहाँ पर, उन्होंने अपना 10:15 बजे का टाइम दिया हुआ है, लगभग 10:15 बजे तक, 10:30 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे जी। तो ये थे हमारे साथ मास्टर जी सुशील जी, और इन्होंने बताया कि चीफ गेस्ट अभी यहाँ पे थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में यहाँ पे कुश्तियों का प्रोग्राम होने वाला है। तो इस चैनल पर बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। धन्यवाद मास्टर जी। अभी अभी यहाँ पे पहुँचे हैं जिला परिषद चेयरमैन रमेश ठस्का जी, यहाँ पे कमेटी मेंबर द्वारा उनका स्वागत करते हुए। आप देख सकते हैं कि फूल मालाएं पहना कर उनका स्वागत किया जा रहा है। इस नाते अनुसार जिला परिषद के चेयरमैन रमेश चंद ठस्का जी का बड़ी हाजरी, जिन्होंने बड़ी हाजरी इस अखाड़े के विच लवाई है, उन्होंने बड़ा धन्यवाद है। वीरेन वर्सेस साई जिहड़ा मुकाबला जारी है, हनुमान बजरंग बली की जय, श्री राम, जय श्री राम।
चार मिनट लगातार दो में पलवान आने छोटी उम्र में पलवान जो पलवान पहला दो पॉइंट करेगा दो पॉइंट ट्रेन के पीछे जाके ट्रेन तो थले गिर के ट्रेन के पीछे जाएगा जेड़ा पहला कवर देते आएगा
1-7 चलती हुई फाइट का जोड़ा स्कोर है 0 रेड कॉस्ट्यूम 7 ब्लू कॉस्ट्यूम 9-0-9
2.90
कुश्ती नाइन जीरो का स्कोर है। रैशला 30 सेकंड की विसर बच चुकी। ब्लू कॉस्ट्यूम 2 पॉइंट। जल्दी ने यमुनानगर वर्सेस पुनीश पंचकूला मैच अलाउड। जल्दी ने यमुनानगर वर्सेस पुनीश पंचकूला। जल्दी को रेड कॉस्ट्यूम, पुनीश पंचकूला ब्लू कॉस्ट्यूम। जल्दी यमुनानगर मर्जी मनीष पंचकूला अगली कुश्ती 55 kg बॉय तुषार एसपी अखाड़ा विनर भाई सुभाष चंद जी का बेटा बड़ी मुबारकबाद है क्योंकि कमेटी के मेंबर भी है डॉक्टर गोविंद सिंगला जी बोला बड़ी मुबारकबाद है और अपनी जेड़ा भी कर रहे हैं सजाए दे जल्दी ने यमुनानगर मर्जी मनीष पंचकूला जल्दी ने यमुनानगर मर्जी मनीष पंचकूला एलएसएलबी ब्लू विनर 1-0। देवेंद्र एसपी अखाड़ा विनर। जतिन एसपी उम्मीद साहिब केंद्री वंशिका हिसार वर्सेज वर्षिका दो स्कूल उधर एक रिक्वायरमेंट दे दी। वंशिका हिसार वर्सेज वर्षिका दो स्कूल इसके बाद साक्षी हिसार वर्सेज निहारिका एएसपीएस यमुनानगर। साक्षी हिसार वर्सेज निहारिका यमुनानगर। हम कंप्लीट बच्ची का हिसार विनर। शीतल गुरु नानक कुरुक्षेत्र वर्सेस सोहानी हिसार। शीतल गुरु नानक कुरुक्षेत्र वर्सेस सोहानी हिसार। Thank you.
दोस्तों ये था आज के एएसपी अखाड़ा अजीजपुर के एक शानदार कुश्ती प्रतियोगिता जिसमें लड़के और लड़कियों ने बहुत ही शानदार भाग लिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, उम्मीद है यदि आप खेलों से प्यार करते हो और यदि आप खेलों में इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, धन्यवाद।